उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बलरामपुर के दो दिवसीय खबर से। दरअसल बलरामपुर में दो दिवसीय भ्रमण पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नवरात्र के प्रथम दिन शक्तिपीठ मंदिर देवीपाटन में मां पाटेश्वरी की आराधना करते हुए मां शैलपुत्री का पूजन किया। मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत हुई है। महिला सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से नारी शक्ति और नारी सशक्तिकरण को लेकर के हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, उसको लेकर के हम आगे और मजबूती से भी कदम उठाएंगे, जिसके लिए इस वक्त काम चल रहा है। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, पीड़ित महिलाओं के लिए थाने में विशेष इंतजाम रहेगा। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि महिलाओं बेटियों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति ये अभियान है जिसकी शुरुआत की जा रही है। अगले 6 महीनों तक मिशन शक्ति अभियान चलेगा। प्रदेश में 6 महीने तक ये विशेष अभियान रहेगा क्योंकि महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध को लेकर के एक और मिशन और एक और अभियान सभी जिलों में हर महीने 1 हफ्ते तक इस अभियान को चलाया जाना है। और इसके साथ ही साथ में मिशन शक्ति के बारे में ये कहा जा रहा है कि पहले चरण में जागरूकता पर आधारित होगा ये अभियान, यानी कि फर्स्ट फेज में महिलाओं और सभी को जागरूक किया जाएगा। दूसरे चरण में इन्फोर्समेंट पर जोर दिया जाएगा, यानी कि दूसरा फेज जब आएगा जागरूकता के बाद में तो इन्फोर्समेंट की बात होगी। समिति बना करके विभिन्न रेल और रोल मॉडल का एक तरीके से किया जाएगा, प्रेरणा स्रोत महिलाओं और लड़कियों का किया जाएगा। हर जनपद से 100 रोल मॉडल को सम्मानित किया जाएगा। जो हमारे देश के हस्तशिल्पी कार्य कर रहे हैं उनके आत्मनिर्भर बनाने का हो, चाहे वह भारत के आत्मनिर्भरता मार्ग प्रशस्त करने वाले इस जो परंपरागत उद्यम है इसके स्वावलंबन के लिए जो कदम उठाए गए हैं उससे चिढ़ करके आज विरोधी दल जिस प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय कृत्य है। देश में सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा और दंगा फसाद करने वाला कोई भी व्यक्ति हो अगर प्रदेश में दंगा फसाद करने का प्रयास करेगा तो वह समझ ले उसकी जगह कहां होनी है। उसके खिलाफ जितनी सख्ती से भी कार्रवाई होनी होगी सरकार उतनी सख्ती के साथ कार्य करेगी। कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी माता अगर थाने में आएगी तो थाने में उनके लिए अलग से कमरा होगा, वहां उनके बैठने की व्यवस्था महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस की कोई कांस्टेबल वहां पर उनको अटेंड करेगी, वहां पर उनके बैठने की व्यवस्था होगी, पानी पीने की व्यवस्था होगी, उन्हें कोई एप्लीकेशन लिखना है तो उसके लिए स्टेशनरी वहां उनके लिए मौजूद होगी और उनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने की व्यवस्था होगी। ये सारी चीजें वहां पर हम लोग इस दौरान करेंगे कि सभी 1535 थानों में 350 तहसीलों में इस प्रकार की एक व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं।